तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए व्लॉग में। अभी सुबह का समय हो रहा है और इस समय हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन है वैसे थोड़ा मुंतशिर के साथ, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है ना, जो एग्ज़ाम्स का पीरियड है वो कल से शुरू होने वाला है, तो उस बारे में आगे चर्चा करते हैं। पर अभी ज़रा अपना मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है और ऊनी वेस्ट के रास्ते से हम अपना यूनिफिट जा रहे हैं। तो जो हमारा ये एग्ज़ाम पीरियड चालू होने वाला है ना, तो भाई हमारा पहला एग्ज़ाम जो कल होगा वो जर्मन का एग्जाम है और हमारा मुंतशिर के साथ एक हमारा सब्जेक्ट है VRS, उसके रिलेटेड भी डिस्कशन है। हालांकि उसका एग्जाम भी इसके बाद होगा, तो जब होगा तब उसके बारे में ही बात करेंगे। पर अभी जरा रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये देखो रोड के उस पर हमारा यूनिफिट भी दिखता हुआ। और हाँ, मतलब VRS से रिलेटेड डिस्कशन था अभी सुबह मुंतशिर के साथ, लेकिन अब सोच रहे हैं अभी वर्कआउट तो करते हैं और उसके बाद फिर अपना जर्मन का जो अपना एग्जाम होगा उसके रिलेटेड भी कुछ कंटेंट रिवाइज करेंगे। तो ऑलमोस्ट अपना यूनिफिट तो पहुंच गए हैं, तो अब जरा ऊपर जिम में चलते हैं और अपना आज का जो डे 1 का वर्कआउट है वो कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो यूनिफिट से बाहर तो अपना आ गए हैं भाई, बढ़िया वर्कआउट रहा आज का भी। पर चल के पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। हरी बत्ती तो हो गई है, लाल हो गई है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आज वैसे अपना भाई बॉटल नहीं लाए थे, तो फ्रूटी बार यूज करने के लिए उन्होंने ग्लास दे दिया था, तो ये भी बढ़िया लगा। अब पहले ना अपना रूम पे पहुंचते हैं क्योंकि थोड़ी भूख भी लग रही है। चलो भाई, तो अपना अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने तो पहुंच गए हैं और रूम पे भी आ गए हैं। और भाई अपनी बॉटल ये रही टेबल पे थी, तो अब जरा ना अपना पहले थोड़ा तैयार होते हैं और जो खाना है वो गर्म करते हैं। तो फाइनली अपना खाना, राजमा, थोड़ी वेजीज, अपनी ब्रेड और स्पाइस क्वाक भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। तो भाई इसे खाते हैं क्योंकि थोड़ी भूख तो लग रही है। फिर थोड़ा अपना ब्रेक लेंगे या रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर अपना जो भाई जर्मन का थोड़ा रिविजन का काम है वो भी चालू करेंगे और फिर तब बात करेंगे। रेस्ट तो ठीक ठाक किए और बाहर का भी ठीक ठाक मौसम हो रहा है। सोच रहे हैं थोड़ी देर में जब ब्रेक लेके बाहर जाने का मौसम बनेगा तो बाहर जाएंगे और बाहर का फिर मौसम भी दिखाएंगे। अभी ना अपना जो मुद्दा है, जैसा हिंट दिए और बताया है कि अपना एग्जाम पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है, और जैसा पहले बताया कि हमारा जर्मन एग्जाम है, उसके बाद जैसे हमारा मुंतशिर से डिस्कशन रहा, तो VRS का एग्जाम है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे और ट्राई करेंगे कि एग्जाम कैसा रहा, उस एक्सपीरियंस के भी बारे में बात करने का ट्राई करेंगे। और अगर ब्लॉग देख रहे होगे तो ये भी आइडिया लगा होगा कि सेमिनार और प्रोजेक्ट का फाइनल माइलस्टोन तो हो गया है, लेकिन कुछ समय में उनका भी प्रेजेंटेशन का जो डेट है वो भी है, कि मतलब डेट तय है, तो उस दिन भी भाई उसका भी प्रिपरेशन करना होगा। और अपना जैसे वन ऑफ द सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, अगर सब्जेक्ट रिलेटेड ब्लॉग भी देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, जिसमें बात की है कि किस किस सेमेस्टर में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट उठाए हैं, तो साइकोलॉजी का भी इसके बाद आगे आने वाला चरण होगा जो VRS के बाद होगा। तो ये अभी हमारा ऑर्डर है। बट हाँ, सबसे पहले जो कल हमारा एग्जाम है वो जर्मन का एग्जाम है, इवनिंग क्लास का एग्जाम है। और थोड़ा जैसे बताया कि हमारा जो लास्ट क्लास का एक्सपीरियंस था, मुंशी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का ट्राई किया, उस वाले ब्लॉग का भी ट्राई करूंगा कि लिंक डाल दूंगा तो वो भी देख सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में कराई है, लेकिन अब सोच रहे हैं अपनी तरफ से क्लास में जैसे होमवर्क मिलता है, प्रेजेंटेशन देना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है उनका प्रिपरेशन तो होता रहता है, लेकिन एक बार थोड़ा गैदर करके अपना जो है काम चालू करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खासकर वन ऑफ द सेक्शन जो होता है, जैसे राइटिंग सेक्शन है, उसका टेम्पलेट क्या यूज करना है, तो वो टेम्पलेट पे भी थोड़ा वर्क करते हैं। फिर जब ब्रेक लेंगे, नीचे जाएंगे तो दिखाएंगे और फिर आगे बात करेंगे। भाई थोड़ी देर बैठ के अपना काम तो किया और अब सोच रहे हैं थोड़ा नीचे चलते हैं, बढ़िया धूप का चमक भी आ रहा है इस समय वैसे, तो चलते हैं भाई नीचे। चलो बढ़िया भाई, एकदम नीला आसमान भी दिखता हुआ बादलों के साथ, और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे धूप की चमक भी बढ़िया दिखती हुई, तो अच्छा मौसम हो रहा है वैसे तो। तो सोच रहे हैं यही भाई, थोड़ा अपना वॉक करते हैं, चक्कर वक्कर काटते हैं, थोड़ी देर बैठ के अपना काम तो देखे। हमारा जो टेक्स्ट बुक है, एक्चुअली वो टैबलेट में ही उसका ई बुक है, तो उसी को ही थोड़ा गो थ्रू कर रहे थे, फिर अपना टेम्पलेट भी देखेंगे। और हाँ, अपना वैसे जो रूम का डिटेल होता है ना कि किस कमरे में एग्जाम होना है, वो भी मेल में एक बार कुछ दिन पहले आया था मेल, जिसमें लिखा था कि इस रूम में जाना है, इतने बजे से पेपर होना है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो अपने पास है ही। अब जरा अपना रिविजन वाला काम तो चल रहा है, हम भी थोड़ा चलते हैं और थोड़ा वॉक करते हैं।
आई होप म्यूजिक के साथ थोड़ा जो चक्कर काटे थोड़ा बहुत जितना झलक दिखा पाए वो देख के मजा आएगा भाई। बढ़िया बादल दिख रहे थे और सूरज की रोशनी भी इतनी अच्छी पड़ रही थी, तो अच्छा मौसम है। और अपना जो थोड़ा मील है ना वो मील थोड़ा खा लेते हैं और फिर अपना आगे काम कंटिन्यू करते हैं। जैसे बताया अभी टेम्पलेट देखना है खासकर, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में भी कभी कभार लेटर लिखना होता है या मेल लिखना होता है, तो उसके लिए एक टेम्पलेट हो कि स्टार्ट कैसे करना है, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, तो उसका भी एक बार टेम्पलेट देखते हैं और अपना आगे तैयारी कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो वैसे आगे अपना कंटेंट तो देखे, अपना जो ई बुक है वो थोड़ा गो थ्रू किए, जो क्लास में डिस्कस होता है और उस दौरान जो कुछ नोट्स बनाते हैं जो हमारे प्रोफेसर है वो कुछ पॉइंट्स बताती हैं, और टेम्पलेट का एक बार फॉर्म देखे। हालांकि अभी थोड़े सोच रहे हैं सैंपल्स देखेंगे, पर जरा थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो हालांकि थोड़ा अपना ब्रेक तो लिए और बाहर ये देखो ठीक ठाक थोड़ा अंधेरा भी दिख सकता है और लाइटें जली हुई हैं बढ़िया। तो यही देखते देखते अब अपना आगे काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सोच रहे हैं कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे टेम्पलेट तो देखा, बट हाँ उन टेम्पलेट से रिलेटेड कुछ सैंपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर लिखना है राइट, उससे रिलेटेड तो वाले टास्क कुछ ऑनलाइन देखते हैं। हमारे टीचर ने कहा था कि ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और मिल ही जाते हैं यूजुअली, कि किस टाइप के क्वेश्चंस राइटिंग सेक्शन में आ सकते हैं, तो वो भी जरा एक बार गो थ्रू करते हैं पहले। तो यही चीज होती है कि कभी कभार फॉर्मल लेटर लिखना होता है, कभी कभार इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है, तो दोनों को ही कुछ सैंपल भाई देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अपने कुछ सैंपल्स तो देखे भाई और थोड़ा आइडिया तो लगा कैसे लिख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन अलग आता है, बट ये है कि टेम्पलेट हो तो शुरुआत कैसे करनी है, लेटर की एंड कैसे करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल में कैसे लैंग्वेज चेंज करनी होती है, उसका थोड़ा आइडिया लग जाता है। बाकी तो क्लास में भी अपने जो होमवर्क्स हैं और अलग अलग टास्क और कुछ एक्टिविटीज देख सकते हो, उनके बारे में भी बताया अपने एक्सपीरियंसेस के भी बारे में और लास्ट क्लास में क्या कराया गया उसके भी बारे में, तो वो ब्लॉग्स देख सकते हो आरपीटीओ का स्लॉट इनके प्लेलिस्ट में। बट हाँ क्लास में भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज चलती रहती है उनसे भी आइडिया लगता रहता है, अपने लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग प्रेजेंटेशन जैसे दे रही थी, जो फर्स्ट टाइम भाई अपना जर्मन का प्रेजेंटेशन दिए अपना यहाँ पे जर्मनी में आके और अपनी क्लास में देने को बोला गया, उसका एक्सपीरियंस भी जाके देख सकते हो, वो भी आरपीटीओ का स्लॉट इन प्लेलिस्ट में डला है। तो अपना ये वाला जो काम है वो थोड़ा तो देखे हैं और अब सोच रहे हैं भाई समय पे सो भी जाते हैं, क्योंकि अपना जो पेपर है शुरू होने वाला है, जैसे बताया एग्जाम सीजन जो है वो भाई हमारे लिए तो चालू हो ही चुका है, क्योंकि कल हमारा पहला पेपर है जर्मन का। और उसका अगर समय का बात करें तो 10:30 से 1:45 के बीच का समय दिया गया है, तो तब हमारा पेपर होगा। तो सोच रहे भाई समय पे अपना सो जाते हैं और फिर कल कैसा एग्जाम होता है क्या उसके बारे में बातचीत कल करेंगे। आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग देख के मजा आया होगा। जब वॉक करने गए तो थोड़ा ट्राई किए म्यूजिक भी लगाएं, तो वो भी थोड़े नज़ारे देख के भाई, इतना प्यारा मौसम हर दिन होता है, अलग मौसम होता है तो देख के अच्छा तो लगता है। तो यही था इस ब्लॉग के लिए, बाकी तो बताइए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं।